बिजनेस वुमेन और मुकेश और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी इस साल गेट मामला 2024 का हिस्सा बनी है। ईशा अंबानी का ग्लैमरस अंदाज इस रेड कार्पेट शो में देखने को मिला। ईशा के लुक की उनकी बला की खूबसूरती को प्रदर्शित करते दिखा। ईशा अंबानी इस साल की थीम और ड्रेस कोड के अनुसार तैयार भी नजर आ रही है। उन्होंने गोल्डन फ्लोरल गाउन कैरी किया हुआ है और अपने लुक को कम्प्लीट करने के लिए उन्होंने हैवी गोल्ड एक्सेसरीज कैरी की है। इतना ही नहीं, ईशा अंबानी का अंदाज और स्टाइल इस पूरे लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। उनका ये लुक भारतीय शिल्पकारों की मेहनत को दिखाता है और काफी खास तरीके से तैयार किया गया है। ईशा अंबानी के इस गाउन को अनीता श्रॉफ और राहुल मिश्रा के द्वारा डिजाइन किया गया है। अनीता श्रॉफ ने ही ईशा के इस लुक की झलक भी दिखाई है। इस गाउन की खासियत बताते हुए अनीता ने लिखा, आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ईशा अंबानी के इस गाउन को अनीता श्रॉफ और राहुल मिश्रा ने डिजाइन किया है। अनीता श्रॉफ ने ही ईशा के लुक की झलक भी दिखाई है। इस गाउन की खासियत तो ये है कि अनीता ने इस गाउन के बारे में बताते हुए लिखा कि समय का हमारा बगीचा। ईशा ने भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा का डिजाइन किया हुआ हाथ से कढ़ाई किया गया साड़ी गाउन पहना है। इस साल की मेट गाला थीम द गार्डन ऑफ टाइम के लिए राहुल और मैंने ईशा के लिए इस कस्टम लुक में प्रकृति के गौरवशाली और प्रचुर जीवन चक्र को चित्रित करने की योजना बनाई है, जिसे पूरा करने में 10,000 घंटे से अधिक का समय लगा है, ऐसा कहना अनीता का था। आइए जानते हैं कि अनीता ने आगे क्या कहा। भारतीय कला को प्रदर्शित करते हैं ईशा का गांव। दरअसल अनीता आगे ये लिखते हुए बताई हैं कि ये लुक राहुल के पिछले संग्रहों के तत्वों को शामिल करके स्थिरता को अपनाता है। फूलों, तितलियों और ड्रैगन फील जैसे नाजुक नमूनों को फरीशा जरदोशी नक्शी और डबका जैसे विशिष्ट एप्लिक और कढ़ाई तकनीकों के साथ साथ फ्रेंच नॉट का इस्तेमाल किया गया है। साथ में ये सभी तत्व ग्रह की स्थिति के बारे में एक शक्तिशाली कहानी प्रस्तुत करते हैं और आशा और पुनर्जन्म का संदेश देते हैं। सैकड़ों स्थानीय शिल्पकारों और बुनकरों का समर्थन करते हुए भारतीय गांव में राहुल मिश्रा के एटलियर में शानदार लुक को जटिल रूप से हाथ की कढ़ाई की गई थी। बताते चले कि इस साल 2024 मेट गाला को ड्रेस कोड द गार्डन ऑफ टाइम है। 2024 मेट गाला कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट की नई प्रदर्शनी स्लीपिंग ब्यूटीज रिवीकनिंग फैशन का जश्न मनाया जाएगा। इस बार हसीनाएं थीम और ड्रेस कोड के अनुसार सजे धजे इवेंट में शामिल हो रहे हैं। इसी थीम को फॉलो करते हुए ईशा अंबानी के साथ मोना पटेल, सब्यास मुखर्जी और आलिया भट्ट जैसे भारतीय सेलिब्रिटीज शिरकत करने पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है मेट गाला। बॉलीवुड एक ऐसा नाम जहां पर तमाम सेलिब्रिटीज होते हैं। फिल्मों की दुनिया में कोई ना कोई फंक्शन और अवार्ड शो तो चलता ही रहता है, और अगर ये ना हो तो फिल्मी दुनिया चलेगी कैसे। फिल्मी दुनिया में इवेंट्स होना मतलब कोई ना कोई नया किस्सा आना और हमारे दर्शकों को मसाला मिलना। दरअसल इसी क्रम में दुनिया का सबसे पॉपुलर फैशन इवेंट शो मेट गाला फिर से शुरू हो चुका है। दरअसल इस शो में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज हिस्सा लेते हैं और थीम के अनुसार सजकर न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में इकट्ठे होते हैं। इस दौरान सेलिब्रिटीज के अनोखे और अनूठे फैशन भी देखने को मिलते हैं। इस बार का मेट गाला 2024 यानी कि 6 मई को हुआ था, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया का सबसे पॉपुलर फैशन शो कल यानी कि 6 मई को शाम 5:30 बजे शुरू हो गया था, जिसका प्रसारण रात के 8 बजे तक चला था। इस दौरान हर स्टार गेस्ट को टाइम स्लॉट के अनुसार रेड कारपेट पर चलने का मौका दिया था। बता दें कि पिछले साल यानी कि 2023 में आलिया भट्ट ने इस शो में अपना डेब्यू किया था। तो ये जानते हैं कि क्या था इस साल का थीम। दरअसल हर साल मेट गाला के लिए ड्रेस कोड और थीम डिसाइड की जाती है। इस बार की थीम स्लीपिंग ब्यूटीज रीअवेकनिंग फैशन है। इस थीम के अनुसार सभी स्टार्स ऐतिहासिक कॉस्ट्यूम में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। सभी गेस्ट के लिए द गार्डियन ऑफ टाइम ड्रेस कोड रखा गया था। इस ड्रेस कोड का नाम जेजी की 1962 की शॉर्ट कहानी पर आधारित था। रिपोर्ट्स की माने तो मेट गाला में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति की टिकट कीमत करीबन 62 लाख रुपए थी।
मेट गाला का कोई सीधा प्रसारण नहीं होता है, बल्कि इसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत वो के चैनल्स पर दिखाया जा सकता था। बताते चले कि फैशन मैगजीन वोग इस शो को आयोजित करती है। अमेरिका के समय के अनुसार इसे आज भी देख सकते हैं, लेकिन भारतीय समय अनुसार इस शो को 7 मई को दोपहर 3:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से स्टार्स इसमें शामिल हो चुके थे। दरअसल मेट गाला 2024 के स्टार गेस्ट की बात करें तो इस बार भारत में यानी कि भारत से इसमें आलिया भट्ट हिस्सा लेने जा रही हैं। तो वहीं दूसरी बार होगा कि जब आलिया इस इवेंट में अपना जलवा बिखेरेंगी। इसके अलावा मेट गाला में क्रिस हेम्सवर्थ, जेनिफर लोपेज, जेंडिया, ब्रैंड हैडनी और ब्रैंड बने हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस फैशन इवेंट में तकरीबन 400 से ज्यादा स्टार गेस्ट के शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले गेट गाला यानी कि मेट गाला में दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर और कंगना रनौत हिस्सा ले चुकी हैं। वहीं आलिया भट्ट दूसरी बार अपना शिरकत करते हुए बिखरेंगी जलवा। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।